हमको मिली है जी घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लिए जी हमको करीब से, फिर आप की नसीब में ये बात हो न हो, तो शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गली कि फिर मुलाकात हो न हो, लग जा गली से। थैंक यू सो मच। एक्चुअली सबसे पहले तो आई एम रियली ऑनर्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा सब यहाँ मैनो जिन्होंने मुझे बुलाया है सब मुझसे बड़े हैं, एंड कभी कभी एक अनकंफर्टेबल सा लगता है, बट देन यस इतना ट्रस्ट है, दे हैव सो मच ऑफ ट्रस्ट फॉर मी ना, इसलिए मुझे बुलाया है यहाँ पर दे, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम फॉर ओपनिंग सच अ ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट यहाँ पे। इट्स अ वेरी कोजी प्लेस, बहुत कोजी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ आकर, फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ आकर यहाँ में डाइन इन करना, एंड आई हैव सीन द प्राइस ऑफ द यहाँ जितने भी मेन्यू में मैंने जितने भी लिस्ट देखे, आई हैव सीन द प्राइस एंड आई थिंक कि अफोर्डेबल है, इवन स्टूडेंट्स अगर आए ना तो यहाँ दे कैन हैव नाइस डाइन हियर, तो आई थिंक एंड द एनवायरनमेंट इज़ गुड एंड द वॉशरूम इज़ गुड। एक्चुअली द वॉशरूम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी रेस्टोरेंट में जाए ना, नहीं तो खाने का मूड ख़राब हो जाता है, तो वॉशरूम अच्छा है एंड जगह अच्छा है, खाना अच्छा है, खाना लजीज है, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर जो जो वेटर रहेंगे, जो जो सर्व करेंगे, दे आर रियली फ्रेंडली, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू कम इन एंड डाइन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आप यू सेलिब्रेट करना चाहोगे तो आप कहीं लेट्स गो एंड हैव फूड समवेयर, लेट्स गो एंड ड्रिंक समवेयर, ऐसे रहता है ना, तो वैसे फॉर मी आई एम वेरी फूड एंड when it comes to restaurant, when it comes to me कि मैं बाहर जाकर मेरे फैमिली के साथ खाओ, द फर्स्ट थिंग दैट आई लुक इज खाना अच्छा होना चाहिए, खाना मस्ट बी गुड बिकॉज आई एम नॉट गोना कम देयर अगेन अगर खाना अच्छा ना हो तो। फर्स्ट थिंग इज दैट, द सेकेंड थिंग इज हाइजीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई सेड कि वॉशरूम अच्छा होना है, वॉशरूम अच्छा होना, ऑफकोर्स क्लीन, अगर अच्छा ना भी हो तो एटलीस्ट क्लीन होना है, क्लीन होना है, जगह ठीक होना है, खाना साफ सुथरा होना है, तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द थर्ड थिंग इज कि एनवायरमेंट अच्छा होना है, यू शुड बी कम्फर्टेबल ताकि जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुल कर खा सकें, आप खाने आए हो, आप पे कर रहे हो, यू विल हैव टू फिनिश ऑल ऑफ इट ना, नहीं तो लॉस नहीं है क्या? तो जैसे हम वी अर्न विद आवर ओन अपना मेहनत से कमाते हैं, तो व्हाट वी स्पेंड वी लाइक टू हैव ऑल ऑफ इट, तो वैसे ही है। आई हैव सीन द मेन्यू, द फूडिंग इज़ क्वाइट यूनिक, नया नया नाम भी है, सम थिंग्स दैट आई वांट टू ट्राई, ऐसे कुछ नया नया करते रहना है ताकि कुछ कुछ ऑडियंस के साथ जो यहाँ कस्टमर आते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकने तक कुछ ऐसे कुछ नया करें ताकि हम लोग दोबारा आने का मन करें। तो वन थिंग इज़ शेफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ नया कुजाइंस आते रहना चाहिए एंड इंटीरियर कभी कभी चेंज हो जाना चाहिए ताकि स्पेशली आजकल का ज़माना में तो फोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ भी जाते हैं आई थिंक सेल्फी तो ये रहता है, तो दो सर थिंग। हम लोग एक्चुअली गोहपुर का है और हम लोग जो गुवाहाटी से आया है, तो हम लोग अभी यहाँ में फूड फेस्ट में है, तो फूड फेस्ट चंदन नगर ब्रिज का सामने में, तो यहाँ में कोरियन डिश और कॉन्टिनेंटल और आपका इंडियन चाइनीज़ भी मिलता है, कोरियन का सुशी हो गया और उरामाकी हो गया, पास्ता हो गया, उसके बाद में रोस्टेड पोर्क हो गया, ये आपका अच्छा है, और रोस्टेड फिश हो गया, थाई करी चिकन हो गया, ये सब मिलता है। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करेगा कि जितना भी हम लोग यहाँ में पब्लिक है अरुणाचल का अंदर में, तो फूड फेस्ट में आके टेस्ट करके जाइए ना, कैसा है, अभी हम लोग तो बाहर से आया है, गुवाहाटी से आया है सीख के, तो थोड़ा टेस्ट करके वो करिए। मेरा नाम बकिन पांगम है, तो
मैं बेसिकली अपर सियांग से हूँ, गोसांग विलेज से, जो कि अपर सियांग हेडक्वार्टर हम लोग का इंक्योंग है। और ये रेस्टोरेंट जो है हम लोग फूड फिश करके ओपनिंग किया है। ये मेनली हम लोग का जो रेस्टोरेंट है, ये इसका कुजींस जो है इंडियन, चाइनीज, कोरियन, कॉन्टिनेंटल, जेपनीज, थाई एंड जो हमारा अरुणाचली डिश वगैरह भी है। इस बार हम लोग कोशिश ये किया गया है कि जितना हो सके एक रीजनेबल प्राइस में जो हमारा कस्टमर है उसको हम लोग कोरियन डिश एंड ऑल जो भी हमारा एशिया का कुजींस है उसको ट्राई करने देने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि पब्लिक लोग भी थोड़ा आके ट्राई कीजिए हमारे यहाँ, क्योंकि प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है एंड हमारे यहाँ पे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और ये हमारा जो फूड फिश रेस्टोरेंट है इसमें आप कराओके भी है। और ये एड्रेस जो हमारा ये चंदन नगर ईटानगर में ऑपोजिट ऑफ दिस नैनी ह्युंडई, यहाँ पे आप नियर डीसी ऑफिस आप लेफ्ट साइड में है अगर आकाशदीप से तरफ से आएंगे तो।